क्या आपको अभी जो वीज़ा टिकट्स के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ा सर जी? नहीं, मुझे तो नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली। एंड आप कब तक आ रहे हो यहाँ दुबई? हाँ, जो फिलहाल आप हाउसमेट कर रहे हो या ड्राइवर कर रहे हो, ये आपका भविष्य नहीं है, ठीक है? आपका भविष्य वो है जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, कल को मैं जाके करेगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब मेरे पास कुछ होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, टशी दिले, सलाम वालेकुम। माइक लगा लेते हैं। और आज आप सबको एक न्यूज़ देनी थी। इसको कहाँ लगाऊँ? दो दो माइक है, दो होता था, एक उसको देता है, एक मैं रखता, लेकिन यहाँ दो हैं तो मैं दोनों को खुद ही लगा लेता हूँ ताकि वॉइस आपको बराबर आए। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है बोलने से? गुड न्यूज़ बोलने से आपको एक न्यूज़ शेयर करना है। लास्ट टाइम मैं कुछ इंटरव्यू ले रहे थे, राइट? वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए बोलो या फिर मार्केटिंग मैनेजर का बोलो, ऐसा कुछ कुछ वैकेंसी थे जिनका मुझे इंटरव्यू लेना था। और एक फीमेल का तो मैंने इंटरव्यू लिया था, उसका इंटरव्यू मैंने डाला भी है आप सबको, जो कि सुगल बाहर में लिया था, राइट? एंड और एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए मैंने इंटरव्यू लिया था, वो इंडिया से हैं। एंड मैंने शॉर्टलिस्ट करने के बाद बॉस को दिया था और बॉस ने उसका इंटरव्यू लिया और वो फाइनल हुआ और उसका अभी फ्लाइट टिकट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह सब हो गया है। तो यही गुड न्यूज़ मैं उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि उसके साथ इंटरव्यू लिया वाला मैंने आपको नहीं बनाया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया था, वो क्या कहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह करके नहीं हो रहा था, बहुत झमेला हो रहा था, सो नहीं किया। सो आज मैं कोशिश करूँगा, बस उनसे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं वीडियो कॉल में। यहाँ में क्या कहते हैं, ये आपका व्हाट्सएप में वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल तो करने से मना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जूम में डायरेक्टली कॉल करता हूँ उसको और ये गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। उससे पहले आप सबका स्वागत करते हैं, नमस्ते टशी दिले, सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल की एक और वीडियो में। और हाँ, मेरे पास उनका टिकट एंड वीज़ा है, वो पीछे गाड़ी में रखा है, मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये रहा, इसके अंदर उसका लगभग क्या है, टिकट्स, वीज़ा, ये सारा चीज़ है। ओके, सो देखो, एक्चुअली ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है बोलने से, ये नहीं है कि मैंने किसी को एकदम इंटरव्यू लेके पास कराया या ये सब दिखाने का कोई पर्पस नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में कई लोग होगा जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन उनके पास टैलेंट होता है, राइट? और यहाँ आके अच्छा खासा जॉब कर सकने का, तो उन्हीं लोगों को बस थोड़ा बहुत मोटिवेट करा सकें, इसलिए ये वीडियो बना रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी जिस बंदा को मैंने इंटरव्यू लिया था मार्केटिंग मैनेजर के लिए, उनका वीज़ा टिकट A to Z यहाँ कंपनी की तरफ से पे किया है, उसने सिंगल रुपया बोलो या सिंगल दिरहम बोलो खर्चा नहीं किया है। ज़्यादा भाषा नहीं मारते, चलिए उससे बात करते हैं। मेरा मोबाइल किधर है? हाँ, इधर है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ। अब सॉरी, मैं तो व्हाट्सएप में जा रहा था, व्हाट्सएप में कॉल नहीं करते हैं, जूम में करते हैं। ये रहा आपका जूम। चलो थोड़ा पीछे जाते हैं यार, मज़े से बैठते हैं, बहुत कंजस्टेड हो गया। फिलहाल अपना बस ऑफिस है, लेकिन ऑफिस बहुत दूर है, इसलिए ऑफिस में जाने से बेहतर गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना लेते हैं। हालांकि मैं तो ड्राइवर ही हूँ, आपको बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपका जूम, ये हो गया न्यू। चलो हम मीटिंग करते हैं, स्टार्ट मीटिंग। मेरा शक्ल नज़र आ रहा है बट नेटवर्क बहुत पोर आ रहता है यहाँ में। ओके, मुझे वो यूज़ नहीं करना है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, इनवाइट, इनवाइट मैसेंजर से करना है, मैसेज से करना है, ईमेल से करना है। मैं करता हूँ लिंक को कॉपी एंड सेंड करता हूँ व्हाट्सएप में। ओके, लेट्स गो। चलो अभी वो लिंक को क्लिक करेगा तो वो आएगा जूम में। प्लीज प्लीज कम टू जूम। चलो सीन भी हो गया है, चलिए हम बैक चलते हैं।
लेट्स वेट फॉर हिम एंड आपको मिलाएंगे लाइव इंडिया से। इसको खोलो यार, बहुत कंफर्ट नहीं हो रहा बैठने को अपने को। चलो डेटा से कर रहा ना तो इतना स्पीड नहीं है। काश मेरे पास वाईफाई होता। आई मीन घर में तो वाईफाई है लेकिन गाड़ी में तो ऑब्वियसली वाईफाई नहीं है, डोंगल नहीं है, तो मैं अपना डेटा यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है गाइस, वीडियो स्किप ना करें। आपको मिलाता हूँ जो मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेलेक्ट हुआ है और जो इंडिया से आने वाले हैं उनका टिकट और वीज़ा। टिकट कब का है? आई थिंक 9th का है, 9th ऑफ नवंबर, नवंबर 9th का है। अभी तक आया क्यों नहीं? होस्टेड बाय मी। देखो दोस्त लोग, मैं एक ड्राइवर होने की बात, मैं ये बार बार ड्राइवर ड्राइवर क्यों बोलता हूँ, एक बात अच्छी तरह से याद रख लेना, सुन लेना मेरी बात। ये जो लोग अपना आपको ड्राइवर बोल के लोगों को बोलने में शर्म करते हैं, जो लोग यहाँ पे आके हाउसमेट का काम करता है वो लोग बोलते हैं मैं तो नौकर का काम कर रहा हूँ, मुझे लोगों को बोलने में शर्म आता है। क्यों शर्म करना, क्यों शर्म करना बताओ? आप चोर नहीं कर रहे हो, डकैत नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? आप हाउसमेट काम करके या क्लीनिंग काम करके भी अपना फैमिली को पाल रहे हो, अपना बच्चा का भविष्य बना रहे हैं, है ना? तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है, क्यों शर्म करना? आप जो आज काम कर रहे हो ना, चाहे हाउसमेट का काम कर रहे हो, चाहे ड्राइवर के काम कर रहे हो, चाहे क्लीनिंग के काम कर रहा हो, आपका क्या भविष्य, आई मीन जिंदगी भर क्या आप ये काम करोगे? नहीं ना, क्योंकि हम और आप सब एक छोटा फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब पोअर फैमिली से बोलो या मिडिल क्लास से, तो हमारे पास इतना बजट नहीं होता या फिर इतना हमको वेल क्या कहते हैं एजुकेशन। एक मिनट सर जी वो आ गए हैं, सर जी आ गए, लेकिन एक बात आपको कंप्लीट करनी थी। यही हम जो करेंटली काम कर रहे हैं ये हमारा भविष्य नहीं है, ठीक है ना? हम जो काम कर रहे हैं फिलहाल वो हमारा मजबूरन है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है या तो हमारे पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, है कि नहीं? या फिर जो भी कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन जो फिलहाल आप हाउसमेट कर रहे हो या ड्राइवर कर रहे हो ये आपका भविष्य नहीं है, ठीक है? आपका भविष्य वो है जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, कल को मैं जाके करेगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब मेरे पास कुछ होगा, या फिर मीन टाइम मैं ड्राइविंग के काम करते हुए कुछ पैसे जमा करते हुए साथ में मैं कुछ अपना स्किल को डेवलप करूँगा, कल को जगह मैं इस लाइन में बिजनेस करूँगा, राइट? ये जो है आपके पास ऐसा कुछ सोच है, एम है, गोल है, तो वो एक हाउसमेट भी हो सकते हैं, वो एक ड्राइवर भी हो सकते हैं, वो एक क्लीनर भी हो सकते हैं, और कल को बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत एकदम क्या कहते हैं सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कोई ग्रेजुएशन होना या कोई वेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूर नहीं है, वो स्कूल ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, राइट? सो गलत करने से कतराओ, डरो, लेकिन अपना जो सच है, जो काम कर रहे हैं उसको लोगों को दिखाने में शर्म किस बात का, राइट? ये मेरा मानना है और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, राइट? लोग बोलने में शर्म करते हैं, मैं वीडियो में नहीं आएगा, मैं तो हाउसमेट काम करता हूँ, मैं लोगों को नहीं बोल सकता। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स यू कैन। हे सर, गुड आफ्टरनून, कैन यू हियर मी सर? हाय, वेरी वेरी गुड। हाय, कैसे हो सर? बिल्कुल सही। अच्छा सर जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा इंग्लिश तो आपसे, आई मीन आपका इंग्लिश मेरे से बेहतर है, आई नो इट। एंड दूसरी बात जो मेरा, हाँ एक बात बोलने से भूल गया, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, इज इट ओके? आई हैव परमिशन फ्रॉम यू? मैं वीडियो बना सकता हूँ ना? थैंक यू सो मच। जैसे कि पहला आपका इंटरव्यू लिया था मैंने, शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद बॉस को दिया, राइट? है ना? तो आपका ये गुड लक नहीं कहूँगा मैं, आपका तजुर्बा और आपका जो स्किल या फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस वो साबित कर पाया, इसलिए आप शॉर्टलिस्टेड हो पाया, राइट? एंड नाउ आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, दैट इज आपका वीज़ा निकल गया है, टिकट हो गया है, सो यू आर अराइविंग इन दुबई बहुत जल्द, राइट? अरे आपके चेहरे में मुस्कान नजर नहीं आ रहा, आर यू हैप्पी और नॉट, आर यू एक्साइटेड और नो? यस यस, एक्साइट हो? या आई एम हैप्पी। आ परफेक्ट परफेक्ट। मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, थैंक यू। मुझे तो पता है आपका नाम क्या है,
आप कहाँ से हो, आप कितना क्वालिफिकेशन है, आप क्या करते हो, व्हाट्स योर प्रोफेशन, सब कुछ मुझे आपके बारे में पता है। बट क्या आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपने बारे में मेरे व्यूवर्स को, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन? मेरा नाम रईश है और मैं कोलकाता से हूँ और मैं एट प्रेजेंट एक लॉ फॉर्म से अभी फॉर्म हूँ और मैंने एक अपॉर्चुनिटी अभी मुझे मिली उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड और जल्दी ही मैं उसे ज्वाइन के काम आगे करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वाह परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। ये जो है मैं वीडियो बना रहा है इसका कोई ऐसा क्या कहते हैं दिखावट या ऐसे कुछ नहीं है, बस मैं ये मोटिवेट करना चाहता हूँ जो इंडिया नेपाल में जो लोग रहते हैं जिनके पास काबिल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियली बोलो या कई सारा जो प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो यहाँ आके, है ना, पर्सनली बोलो या फिर अपना खुद इन्वेस्ट करके जॉब ढूंढने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो उन लोगों के लिए ये भी अवसर होता है यदि आप कीप अभी क्या करते हैं मेहनत करते रहते हो, अपना स्किल को डेवलप करते रहते हो और जॉब सीख करते रहते हो एब्रॉड में ऑनलाइन के ज़रिए, तो ये भी संभावना है कि बिना एक रुपया खर्च किए आप दुबई नहीं दुनिया का कहीं भी काम, दुनिया में कहीं भी जाके काम मिल सकता है आपको, इज इट है कि नहीं, जैसे आपको मिला है। क्या आपको अभी जो वीजा टिकट्स के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ा सर जी? नहीं, मुझे तो नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली। एंड आप कब तक आ रहे हो यहाँ दुबई? हाँ 9th of February आपको टिकट भी हो गया है सर जी, आई थिंक मैंने आपको व्हाट्सएप में सेंड किया हुआ है ऑलरेडी, राइट है ना? तो थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू, और ऑफ कोर्स आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। और ये छोटा सा मोटिवेट के लिए मैंने अपना व्यूवर्स को शेयर करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, सो आपने भी अलाउड किया इस बात के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम मिलते हैं बात को, तब तक के लिए मैं अपने व्यूवर्स से थोड़ा सा गुफ्तगु कर लेते हैं, ठीक है, आपके कीमती वक्त के लिए थैंक यू सर जी, ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड वेलकम दुबई, हम मिलते हैं बहुत जल्द, चलिए बाय। सो डियर व्यूवर्स, तो ये रहा, हाँ जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ ये बहुत दिखावट के लिए कुछ भी नहीं है। तो व्यूवर्स आपने देखा है जो बंदा अभी इंडिया से जूम में मेरे साथ कनेक्ट हुआ था उनको यहाँ से जॉब मिला है और उनका वीज़ा टिकट सारा कुछ उनका हो गया, अभी वो 9th of February दुबई में आ जाएगा। तो ये सर जी को मिला है, मतलब इनको मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकते, राइट है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना स्किल में थोड़ा काम करें, अपना स्किल को डेवलप करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएट होना है, मास्टर होना है, बहुत बड़ा एजुकेशन होना है, ऐसा नहीं है। आपका स्किल अच्छा है, स्किल के अंदर बहुत सारा प्रकार का आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्किल स्किल, क्योंकि आज की दुनिया है ना, स्किल बोले तो कला, कला कुछ भी हो सकता है। यदि आप बहुत अच्छी एजुकेटेड है तो मार्केटिंग वगैरह हो गया आपका, बहुत कुछ और भी लाइन्स है, अकाउंटेंट एंड सो ऑन है ना, डॉक्टर इंजीनियर बहुत कुछ और है, लेकिन ज़्यादातर इतना एजुकेटेड नहीं होता है। कोई ग्रेजुएशन किया भी है तो, लेकिन ग्रेजुएशन में जितना होना चाहिए एक क्या कहते हैं काबिल, उतना नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है अपना क्या कहते हैं एबिलिटी के ऊपर, राइट। सो यदि आपके पास इतना एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप छोटा मोटा स्किल को पकड़ के चल सकते हैं, कोई टेक्निकल स्किल को पकड़ सकते हैं, टेक्निकल स्किल में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कोई छोटा मोटा गराज कर गाड़ी का हो या बाइक का हो या साइकिल्स का हो, इन सब इन लाइन में भी आप जा सकते हो और अच्छे खासा अमाउंट कमा सकते हैं। फिर दूसरा अभी आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो प्लम्बर्स वगैरह हो गया, कारपेंटर्स वगैरह हो गया, ऐसा कई चीज़ें हैं जो स्किल, और वो भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट ड्राइविंग जो सीख के आ सकते हैं, राइट। तो आपके पास अच्छा स्किल होगा तो कोई भी आपको हायर करेगा, फिर वो सिर्फ दुबई क्या, आप जिससे में कर सकते हैं, कोई भी गल्फ कंट्री में, फिर यूरोप कंट्री में जा सकते हैं। मेरा हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जो गरीब का बेटा जैसे मैं हूँ उन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी एक दिन आके अपना फैमिली के लिए स्टैंड हो सके, अपना फैमिली के लिए बैकबोन बन सकें, जैसे मैं कर सक रहा हूँ अभी। मैं जब घर में था, आप सबको पता है, पोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज यहाँ आके मैं खुद की ज़िंदगी भी जी रहा हूँ, अपना फैमिली को भी सपोर्ट कर सक रहा हूँ और अपना भविष्य बना सक रहा हूँ, अपना होने वाला कल को फैमिली को अच्छा से अफोर्ड कर पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि यही मेरा जो तजुर्बा एक्सपीरियंस है ना,
जो भी मैंने सीखा है आप सबको शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा होने से भी इससे फ़ायदा उठा सकें, है ना। तो इतना ही है बस, छोटा सा वीडियो आप सबको यही शेयर करना था। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।